हाय दोस्तों, भाई काफ़ी टाइम बाद मेरे पास वापस नए फ़ोन आने शुरू हुए हैं और अंडर 20,000 वाले फ़ोन्स का एक बहुत ही धमाकेदार बैटरी टेस्ट में लेके आने वाला हूँ। पर आज हम बैटरी टेस्ट करेंगे नई नार्जो सीरीज का और इनका साथ देने के लिए यहाँ पे रियलमी C3 और रेडमी नोट 8। तो देखते हैं रियलमी की नई नार्जो सीरीज कैसा परफॉर्म करती है बैटरी ड्रेन में, बैटरी चार्जिंग में, गेमिंग परफॉर्मेंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नार्जो 10, रेडमी नोट 8 आप एक लेवल पे मान सकते हो, इनका पूरा कंपैरिजन मैंने यहाँ पे किया था। और नार्जो 10 ए रियलमी C3 आप एक लेवल पे मान सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो नार्जो लॉन्च होते ही रियलमी C3 का प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया है। ये स्टार्ट है 8,000 रुपए से, उससे 500 रुपए एक्स्ट्रा में आपको नार्जो 10 ए मिलेगा। सेम चीज नोट 8 है 11,500 का, उससे 500 रुपए एक्स्ट्रा में आपको नार्जो 10 मिल जाएगा। तो सारे फोन यहाँ पे 100% चार्ज्ड हैं, सारे फोन्स पे स्क्रीन ब्राइटनेस फुल पे है, सारे फोन्स पे स्पीकर वॉल्यूम में फुल पे रखूंगा। बैटरीज की बात करें तो नोट 8 में 4,000 है, बाकी तीनों फोन में 5,000 है। पर नोट 8 ही यहाँ पे अकेला फोन है जिसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन की स्क्रीन मिल रही है, बाकी तीनों 720p है। रियलमी C3 और नार्जो 10 में तो आपको सेम प्रोसेसर मिल रहा है, हीलियो G70। नार्जो 10 में हीलियो G80 है, जो थोड़ा सा एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन आप मान सकते हो G70 का। नोट 8 में आपको स्नैपड्रैगन 665 मिलता है, वैसे तो अच्छा प्रोसेसर है बट गेमिंग पावर में थोड़ा सा पीछे है G70 G80 से। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी परफॉर्मेंस टेस्टिंग ही कर लेते हैं सारे फोन्स की। उससे पहले जल्दी से एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं जिससे हम हीटिंग भी चेक कर पाएं। तो C3 चल रहा है 32 डिग्रीज के अराउंड, नार्जो 10 ए भी सेम टेम्परेचर पे है, नार्जो 10 भी ऑलमोस्ट बराबर है, नोट 8 थोड़ा सा ऊपर है 32 से। टेस्ट स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे, पहले चलाते हैं Geekbench। तो Geekbench के 3 राउंड पूरे हो गए हैं, आप यहाँ पे देखोगे Realme के तीनों फोन्स आगे हैं Note 8 से। और G70, G80 को आपस में कंपेयर करके देखें तो आप देखोगे सिंगल कोर स्कोर में यहाँ पे उतना फर्क नहीं है, बट मल्टी कोर स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है G80 का। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया था, हायर क्लॉक स्पीड पे है यहाँ पे इसके कोर्स। सस्टेन परफॉर्मेंस की बात करें तो चारों ही फोन ने यहाँ पे काफी कंसिस्टेंट रिजल्ट दिखाए तीनों राउंड में। अब आ जाते हैं थोड़े हैवी बेंचमार्क्स पे, तो अब रन करेंगे 3D Mark, जो कि बहुत ही अच्छे से गेमिंग परफॉर्मेंस और GPU टेस्ट करता है फोन्स का। तो 3 राउंड हो गए इस टेस्ट के, यहाँ पे भी सेम रिजल्ट है, नोट 8 सबसे पीछे है, रियलमी C3 नार्जो 10 है उससे थोड़ा आगे है और सबसे आगे नार्जो 10 है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है G80 और G70 की परफॉर्मेंस में बहुत ही थोड़ा सा है। तो हमारे टेस्ट को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं, यहाँ पे सबकी बैटरी परसेंटेजेस अगर हम चेक करें, रियलमी C3 और नार्जो 10 90 पे है, नार्जो 10 89 पे है, Note 8 87 पे है। अब वैसे यार जब मैं बैटरी टेस्ट करता हूँ तो म्यूजिक टेस्ट, वीडियो प्लेबैक टेस्ट इनसे स्टार्ट करता हूँ, बट यहाँ पे ये सारे दानव फोन है। मोस्टली अगर आप ये नार्जो या रियलमी C3 ले रहे हो तो पबजी आपका मेन काम होने वाला है, तो इसलिए सबसे पहला पबजी टेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। लोडिंग टाइम भी यहाँ चेक कर लेते हैं दोनों नार्जोज में। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही लोड हुआ दोनों फोन्स पे। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलता है प्रोसेसर्स में कितना ज्यादा है। नोट 8 का स्नैपड्रैगन 665 बैलेंस्ड और मीडियम तक ही गेम को चला सकता है, जबकि G70 और G80 पे आप HD ग्राफिक्स, हाई फ्रेम रेट तक गेम चला सकते हो, या बैलेंस पे शिफ्ट करके आप अल्ट्रा फ्रेम रेट पे भी खेल सकते हो। नोट 8 पे स्मूथ करके भी आपको सिर्फ हाई तक का ही ऑप्शन आता है। यहाँ पे सारे फोन्स पे बराबर करने के लिए स्मूथ और हाई पे चलाएंगे गेम को। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं पबजी चलाते हुए, टेस्ट को 2.5 घंटा पूरा हो गया है, सारे फोन से काफी बराबर लेवल का यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली नोट 8 तो इससे ज्यादा सेटिंग पे चला ही नहीं सकता है, बाकी तीनों फोन्स पे भी हमने पर सेटिंग लो करी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे अभी उतनी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा फायदा ये भी हो जाता है शायद इन तीनों फोन्स को कि सिर्फ 720p स्क्रीन है, तो प्रोसेसर पे उतना ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा है। अब G80 और G70 की जो पबजी परफॉर्मेंस है उसमें भी मुझे ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिला है। G70 की पबजी परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी काफी टेस्ट करी हुई है रियलमी C3 में, लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा नार्जो 10 में।
तीन घंटे हो गए हैं टेस्ट को, रियलमी के तीनों फोन्स काफी बराबर से चल रहे हैं। नोट 8 सबसे पीछे चला गया है, ऑब्वियसली सबसे छोटी यहाँ पे बैटरी भी हमें मिल रही है। और जल्दी से एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं सारे फोन्स का। तो रियलमी C3 43 के पास है, नार्जो 10A 44.5 के पास है, नार्जो 10 42.5 पे है और नोट 8 है 41 के अराउंड। हाथ में पकड़ के अगर देखूं तो ऑब्वियसली सारे फोन मुझे थोड़े थोड़े गर्म लग रहे हैं। यहाँ पे रियलमी C3 में सबसे कम पता चल रहा है, नार्जो 10A में ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा गर्म लग रहा है। ओवरऑल गेम परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार वही था, कम ग्राफिक्स पे चला रहे थे इसलिए सब पे सिमिलर सी लग रही थी। ऑब्वियसली बीच बीच में थोड़ी बहुत लैग, थोड़े बहुत स्टटर सारे फोन पे देखने को मिल रहे थे। अभी G80 जो है नाम से ऐसा लगता है कि G90 के पास का होगा, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि G90 जो हमें रियलमी 6 वगैरह में मिलता है वहां पे बहुत ही बढ़िया GPU हमें मिलता है, माली G76। यहाँ पे G52 है GPU, जो बेसिकली सेम GPU है जो आपको बाकी दोनों फोन में भी यहाँ मिल रहा है। पर एक बात तो है कि अंडर 10,000 अगर आप PUBG के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो फिर ये रियलमी C3 नार्जो 10A का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है इसमें। तो नेक्स्ट टेस्ट अब आ जाता है, 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टेस्ट। तो वीडियो प्लेबैक के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, टेस्ट को 5 घंटे हो चुके हैं और अगेन रियलमी के तीनों फोन्स एकदम सेम लेवल पे चल रहे हैं। नोट 8 और ज्यादा पीछे हो गया है, 10% पे आ गया है। यहाँ पे अगेन इसके पास डिसएडवांटेज था, फुल HD स्क्रीन है, बाकी तीनों में HD स्क्रीन है। और उसके अलावा जो कलर्स हैं, व्यूइंग एंगल्स हैं, ब्राइटनेस वगैरह है, सब एकदम सेम लेवल की लगी मुझे चारों स्क्रीन पे। पर एक चीज जो डिफरेंट थी, जो स्पीकर परफॉर्मेंस थी, यहाँ पे अगेन रेडमी नोट 8 बेटर है। लाउडनेस तो सबकी ऑलमोस्ट बराबर है, बट म्यूजिक की क्वालिटी जो है, बेस वाली आवाज जो है, वो नोट 8 से आती है, रियलमी के स्पीकर से वो लैकिंग है। अगला टेस्ट अब आ गया है, 2 घंटे का सोशल मीडिया टेस्ट, और आप लोग इसके लिए बहुत गाली मुझे देने वाले हो, बट यहाँ पे फिर से मुझे यूज करनी पड़ेगी टिकटॉक। तो वैसे मैं कोई भी और सोशल मीडिया ऐप यूज कर लेता, बस टिकटॉक ही है जिसपे ऑटोमेटिकली चीजें चलती रहती हैं, और कुछ भी अगर मैं और यूज करूंगा मुझे यहाँ बैठ के सारी चीजें रिफ्रेश करनी पड़ेंगी बार बार। तो इसलिए भाई प्लीज थोड़ा सा दर्द समझो और प्लीज गाली मत देना टिकटॉक यूज करने के लिए। तो सोशल मीडिया के भी 2 घंटे खत्म हो गए हैं, टेस्ट को 7 घंटे हो चुके हैं, नोट 8 डेड हो चुका है, बाकी तीनों फोन अभी भी ऑलमोस्ट बराबर चल रहे हैं। तो वैसे लास्ट राउंड में हम वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, बट यहाँ पे सेम सा ही परफॉर्मेंस सब में से मिलना है, तो मैं जल्दी से बैटरी ड्रेन कर देता हूँ बस बेंचमार्क्स लगा के। और इसी के साथ फाइनल फोन हमारा डेड हो गया है। तो ये है फाइनल बैटरी स्टैंडिंग। सबसे पहले यहाँ पे नोट 8 की बैटरी खत्म हुई, और रियल लाइफ में वैसे इससे आप आराम से एक दिन निकाल सकते हो, पर उससे ज्यादा ये नहीं टिक पाएगा, और उससे ऑलमोस्ट 2.5 घंटा एक्स्ट्रा बाकी तीनों फोन यहाँ पे टिक गए हैं। दोनों नार्जोस की बैटरी तो एक ही टाइम पे खत्म हुई, रियलमी C3 ने 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिए, और रियल लाइफ में भी आप आराम से मान सकते हो कि 1.5 दिन 2 दिन ये फोन चल सकते हैं। अब इस टेस्ट के लिए मेरे पास वीवो U20 यहाँ पे नहीं था, बट वीवो U20 का बैटरी टेस्ट मैंने एक बार पहले करा था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वीवो U20 में भी आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, और आप मान सकते हो कि नार्जो सीरीज से 1/2 घंटा शायद आपको कम मिलेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे फुल HD स्क्रीन है, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा बैटरी कंजम्पशन हो जाता है। तो बैटरी टेस्ट के रिजल्ट तो खैर जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे ही आए हैं, पर अब मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि बैटरी चार्जिंग में ये कैसा परफॉर्म करेंगे। रियलमी C3 और नार्जो 10A में तो हमें नॉर्मल 10W चार्जिंग मिलती है, माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, क्योंकि रियलमी 5S जो सीरीज थी उसमें एक चीज ये पीछे रह जाते थे कि वहां पे आपको कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही थी, जबकि नोट 8 वीवो U20 में फास्ट चार्जिंग मिलती थी। वो चीज अब नार्जो में आ गई है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा ये। तो 1/2 घंटा हो गया चार्जिंग का पूरा, रियलमी C3 नार्जो 10A पास चल रहे हैं 24-23 पे, रेडमी नोट 8 44% पे है, नार्जो 10 देखते हैं, नार्जो 10 29 पे है, तो मतलब ज्यादा आगे नहीं निकला है अभी 10W चार्जिंग वाले फोन से। 1 घंटा पूरा हो गया चार्जिंग का, नार्जो 10A रियलमी C3 एकदम बराबर है, अगेन नार्जो 10 भी 50% ही पहुंचा है, तो ऐसा कुछ भी बेनिफिट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे 10W चार्जिंग के ऊपर। नोट 8 77 पे पहुंच गया है, और यहाँ मतलब वैसे बैटरी छोटी है, तो चार्जिंग का 1.5 घंटा पूरा हो गया है, नोट 8 95% पे है ऑलरेडी, पर जनरली ये लास्ट के 5-10% में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, देखते हैं 100% कब टच होगा।
दो घंटे हो गए हैं चार्जिंग के, दो घंटा मार्क टच होने से जस्ट पहले नोट 8 100% टच हो गया। Realme C3 Narzo 10 है 82 पे है, Narzo 10 थोड़ा सा आगे है 91 पे। और पहले जब मैंने Realme 5 5S का बैटरी टेस्ट किया था, वो तो फुल 100 होने में 3 घंटे से ऊपर का टाइम लेते थे। देखते हैं यहाँ पे ये फोन्स कितना टाइम लेंगे। ढाई घंटा हो गया चार्जिंग का, Narzo 10 99 पे अटका हुआ है और Narzo 10 ए Realme C3 भी ऑलमोस्ट पास आ गए हैं। इसके साथ ही फाइनल फोन हमारा फुल 100% हो गया है। नोट 8 ऑब्वियसली सबसे पहले चार्ज हो गया, सबसे छोटी बैटरी है। Realme C3 Narzo 10 को जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही टाइम लगा, 3 घंटा पूरा लग गया 0-100 होने में। यहाँ पे सबसे शॉकिंग जो मेरे लिए था कि Narzo 10 की जो चार्जिंग परफॉर्मेंस थी उसमें मुझे ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है 10 वॉट चार्जिंग के ऊपर। मतलब ठीक है 0-100 टाइम में आप कह सकते हो कि 15 मिनट यहाँ पे कम हो गए हैं, बट अगर आप सोचो कि जो एक्चुअल बेनिफिट होता है हमें फास्ट चार्जिंग का, कि कहीं एकदम से बाहर जाना पड़े या चार्ज करना भूल गए हो फोन को, 15 मिनट आधा घंटा फोन चार्ज पे लगाओ और उतने में जल्दी चार्ज हो जाए, वो चीज हमें Narzo 10 में नहीं मिल रही है। इसका 30 मिनट 60 मिनट चार्जिंग आप देखोगे, सब चीज ऑलमोस्ट सेम लेवल की लग रही है C3 और Narzo 10 की। तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए था कि पहले आधे घंटे में 35-40% हो जा रहा है या पहले एक घंटे में 70-75% पूरा हो जा रहा है और उसके बाद बाकी चार्जिंग करने में स्लो टाइम ले ले, पर वो चीज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और इस करंट स्पीड पे तो मैं सेम लेवल का ही मानूंगा इसको जो Realme C3 Narzo 10 में स्पीड मिल रही है। अब यहाँ पे Realme ने पहली बार एक नॉर्मल क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी हमें दी है, वरना अभी तक वो जो भी फास्ट चार्जिंग देता था अपने फोन में वूक चार्जिंग होती थी, चाहे 20 वॉट वाली हो 30 वॉट वाली हो, सब में ही आपको शुरू में बहुत बढ़िया स्पीड मिलती है, वो चीज यहाँ इससे लैकिंग लगी मुझे। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो Realme C3 Narzo 10 है तो भाई एकदम सेम आप मान सकते हो, चाहे बैटरी लाइफ हो चाहे बैटरी चार्जिंग टाइम्स हो, बेसिकली फोन भी एकदम सेम है। बस जो चीजें चेंज हुई है Narzo 10 में, एक मैक्रो सेंसर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब इनके प्राइस में 500 रुपए का ही बस डिफरेंस है, तो आप आराम से Narzo 10 ले सकते हो। वैसे अगर आप अंडर 10,000 गेमिंग के लिए फोन लेना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आप Realme C3 का 4GB 64GB वाला मॉडल ले लो, वो बेस्ट रहेगा। अब Note 8 और Narzo 10 की बात करें तो ऑब्वियसली बैटरी लाइफ में Narzo 10 के पास एडवांटेज है, बैटरी चार्जिंग स्पीड पर Note 8 की बहुत बेटर है। वैसे गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह बहुत बढ़िया आपको मिल रहा है Narzo 10 पे, बस वही है 720p स्क्रीन थोड़ी लेट डाउन है यहाँ पे। तो अगर आपको बस गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए तो आप Narzo 10 कंसिडर करो, वरना मेरे हिसाब से Redmi Note 8 एक बेटर ऑप्शन है। ये था आज का बैटरी टेस्ट, आप बताओ कैसी लगी वीडियो, एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट या फिर नहीं, और कौन से फोन्स का बैटरी टेस्ट देखना है नीचे मुझे बताते रहना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखो यार ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टिकटॉक पे क्रिंज है, यूट्यूब पे भी काफी क्रिंज होता है और टिकटॉक पे भी आपको काफी अच्छा कंटेंट कभी कभी मिल जाता है, बट मेरी चॉइस मुझसे पूछोगे तो भाई काफी साफ है। बाय।